हिंदुस्तान में रहने वाला बच्चा बच्चा रामायण की कथा जानता है। सभी को पता है कि अपनी पत्नी सीता को बचाने के लिए भगवान राम ने लंका जाकर रावण का वध किया और सीता को लेकर वापस अयोध्या लौट गए। मगर रावण की मौत के बाद उसकी पत्नी मंदोदरी का क्या हुआ, यह बात बहुत कम लोग जानते होंगे। रामायण में मंदोदरी की पहचान लंकापति रावण की पत्नी के तौर पर बताई गई है। मंदोदरी का चरित्र रामायण में बेहद नैतिक दिखाया गया है। जब रावण सीता का हरण करके लंका ले आया था, तब मंदोदरी ने रावण को ऐसा करने से रोका था। मंदोदरी ने रावण को समझाया था कि इस तरह पराई स्त्री को अपहरण करके लाना अपराध है, लेकिन रावण नहीं माना और श्री राम के हाथों उसकी मृत्यु हो गई। क्या आप जानते हैं रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का क्या हुआ था? क्यों मंदोदरी को अपने देवर विभीषण से विवाह करना पड़ा? मंदोदरी की सारी पोल पट्टी खोल के रख दूंगा आज की इसी वीडियो में। एक कथा के अनुसार लंका में दो ही लोग थे जो सीता हरण के खिलाफ थे, एक मंदोदरी और दूसरे विभीषण। राम और रावण के युद्ध में लंका से सिर्फ रावण के भाई विभीषण और मंदोदरी ही जिंदा बचे थे। रावण के मरने के बाद जब मंदोदरी विधवा हो गई, तब श्री राम ने उन्हें बताया कि वह अभी भी लंका की महारानी है। सुचारू रूप से साम्राज्य को चलाने के लिए मंदोदरी को विभीषण से विवाह करने की सलाह दी गई, लेकिन मंदोदरी इसके लिए राजी नहीं हुई। लेकिन फिर कुछ समय बाद शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इसके बाद विभीषण और मंदोदरी ने लंका का राजपाट संभाला। हालांकि रामायण में इस बात का कहीं बहुत ज्यादा जिक्र नहीं है। एक दूसरी मान्यता के अनुसार रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी ने विधवा का जीवन ही स्वीकार किया और आध्यात्म में डूब गईं। मंदोदरी ने अपना आगे का जीवन धार्मिक प्रथाओं के लिए समर्पित कर दिया। ऐसी क्या मजबूरी थी जो मंदोदरी को रावण से विवाह करना पड़ा? भयानक सच्चाई है, सुन के जाइएगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार रावण मंदोदरी के पिता मायासुर के महल में गया था। वहां मंदोदरी को देख रावण उस पर मोहित हो गया। उसने मायासुर से मंदोदरी का हाथ मांगा, लेकिन मायासुर ने इनकार कर दिया। क्रोध में आकर रावण मंदोदरी को शादी के लिए मजबूर करने लगा। मंदोदरी जानती थी कि रावण उसके पिता से ज्यादा शक्तिशाली शासक है, इसलिए मंदोदरी ने रावण के साथ विवाह करना स्वीकार कर लिया। इसी तरह के रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।